और उसके बाद हम बात करते हैं फिर दंत धावन की यानी दंत मंजन की, जो आप ब्रशिंग करते हैं, जो टूथब्रश आप यूज करते हैं उसके बारे में, आयुर्वेद के क्या विकल्प हैं, आयुर्वेद क्या कहता है। तो सबसे पहले तो हम पहले के समय में क्या होता था कि लोग टूथब्रश जो आजकल मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल है उसके बजाय दातून का प्रयोग करते थे। वो दातून को जो है हमारी जो सबसे छोटी उंगली है उसकी साइज की, उसके बराबर मोटाई की दातून लेते थे और लगभग 12 उंगली की जो है वो दातून होती थी। मेनली हम सभी नीम की दातून के बारे में जानते हैं। नीम की दातून हमने हम में से किसी ने लगभग कभी ना कभी यूज की ही है, लेकिन और भी वृक्ष हैं जिनकी दातून यूज होती है, जैसे अर्जुन का वृक्ष है, अर्क यानी आग के वृक्ष की भी दातून यूज होती है, आम के वृक्ष के भी दातुन यूज होती है, श्री सौर क्रंज के वृक्ष के भी दातुन यूज होती है, ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं, खदीर है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अलग अलग स्थान पर जहां जैसी अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से दातुन प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम दातुन ले रहे हैं तो वो सीधी हो, 12 अंगुल की लंबाई हो और अपने हमारी सबसे छोटी अंगुली की जो आगे का कोर है उसके बराबर उसकी मोटाई हो और उसमें गांठे ना हो, और कोशिश करें कि ताजा हो, मुलायम हो। जब उस दातुन को लेके और उसको अच्छे से धो लें और उसके आगे वाले भाग को हम अच्छे से दांतों से चबा लें या पत्थर से दबा लें उसको धो के, ताकि वो ब्रश जैसा हो जाए, और वही टूथब्रश पहले यूज करते थे उसी के फॉर्म में। और आयुर्वेद के अनुसार जो है पहले सबसे पहले नीचे के दांतों को साफ करना चाहिए, और दांतों को ऐसे जो हम टीवी में एड देखते हैं ना कि बिल्कुल ब्रश को हम घिसते हैं पूरा लेके, ऐसा नहीं होता है। दांतों को जो है हम ब्रश भी कर रहे तो एक एक दांत को साफ करना चाहिए, पहले नीचे के दांतों को साफ करना चाहिए फिर ऊपर के दांतों को साफ करना चाहिए। तो ये दांतों अगर हम कर रहे हैं, दांतों से टूथब्रश मिल जाता है, ट्विग मिल जाती है, दांतों मिल जाता है, तो सबसे अच्छी बात है कि हम दांतों का प्रयोग करें। और जो हम टूथब्रश यूज कर रहे हैं बेसिकली वो प्लास्टिक का होता है या वो मतलब आर्टिफिशियल मटेरियल का होता है, तो उससे हमारे मशूड़ों को नुकसान होने का ज्यादा चांसेस रहता है, चाहे वो ओरल कैविटी में कितना ही फ्लेक्सिबल हो, चाहे वो कितने ही दांतों के किसी भी कॉर्नर में चले जाए, लेकिन वहां पे मांस को या जो हमारे मसूड़े हैं उनको इंजर करने का चांसेस रहता है उससे। तो इसलिए हम अगर हमारे पास नेचुरली अवेलेबल हो तो हम दातुन का यूज कर सकें, और दातुन का यूज करें नित्य, नई दातुन का यूज करें, तो उससे हमारी ओरल हेल्थ ज्यादा अच्छी रहने की संभावना ज्यादा अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं आप जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो टूथपेस्ट यूज करने की बजाय चाहे वो कोई भी, चाहे वो क्लेम करते हो कि वो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट हो या किसी भी तरह की हर्बल टूथपेस्ट हो, हर टूथपेस्ट में जो है वो आर्टिफिशियल या जो प्रिजर्वेटिव होता ही होता है, उसमें हर टूथपेस्ट में जो है आर्टिफिशियल केमिकल्स डलते ही जलते हैं, जैसे कि सोडियम लोरियल सल्फेट है, ऊपर से कैल्शियम डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें सोल्ट भी ऊपर से एड कर रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमें कोई जो है हम अलग से ऊपर से कैल्शियम डाल रहे हैं या ऊपर से जो है वो दांतों को बनाने वाले एलिमेंट्स हम डाल रहे हैं, तो हमें वहाँ पे कोई ऐसा दांत जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है कि हमें वहाँ पे कैल्शियम या चूना चाहिए कि हम वहाँ पे दीवार की सीमेंट की दीवार बना रहे हो, इतना नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जो ऊपर से कैल्शियम डाल रहे हैं कौन सा वो कैल्शियम डेली डिपोजिट हो रहा जा रहा है, तो ये मार्केट की स्ट्रेटेजी होती है, इस पर जाने की बजाय हमें सिंपल सोचना चाहिए, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई टूथपेस्ट यूज करेंगे चाहे वो हर्बल हो चाहे वो कोई सा भी क्लेम करते हो, पर हर टूथपेस्ट में केमिकल तो होते ही है। आप सोचिए, आप जो कहीं आपने सुना होगा सोर्बिट्रेट होते हैं, जैसे किसी को कार्डियक पेन होता है, एंजाइना होता है, तो हम जीभ के नीचे कोई दवाई रखते हैं, वो दवाई इतनी फास्ट जीभ के नीचे एब्जॉर्ब होती है कि उससे तुरंत हमें हार्ट में, चेस्ट पेन में रिलीफ मिलता है। और ऐसी और भी दवाइयां हैं जो जिन्हें मुंह में नीचे जीभ के नीचे रखा जाता है। सोचिए जो दवाइयां कितनी फास्ट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो प्रिजर्वेटिव हम मुंह में ले रहे हैं, हम जो मुंह में जो प्रिजर्वेटिव रखते हैं टूथपेस्ट के रूप में रोज सुबह सुबह जब हम ये ले रहे हैं, तो सोचिए इनका भी तो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ ना कुछ नुकसान हमारे शरीर में होता ही होगा। चाहे हर्बल भी टूथपेस्ट ले रहे हैं तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ केमिकल है जिससे वो पेस्ट के रूप में बनाया गया है। तो हम क्यों सुबह सुबह बासी मुंह, क्यों सुबह सुबह हमारे शरीर में, हमारे मुख में जो है कोई केमिकल हम डालें, क्यों नहीं हम सिंपल जो है वो टूथ पाउडर या जो दंत मंजन चूर्ण है वो हम बना लें घर पे और बहुत आसानी से, बहुत सहजता से बनाएं। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि हम जो है बहुत घबराते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है या बनाना बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आसानी से सहजता से टूथपेस्ट घर पे बना सकते हैं। तो टूथपेस्ट बनाने के लिए मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो आयुर्वेद में सबसे सरल कॉम्बिनेशन है, और अगर वो नहीं भी होता है कभी आप ट्रेवलिंग में जाते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको विकल्प बताऊंगा। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि त्रिफला जो है, त्रिफला होता है हरड़ बेड़ा आंवला, चाहे तो आप अलग अलग इनको समान मात्रा में ले लें, या फिर त्रिफला का पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो 100 ग्राम आप त्रिफला का पाउडर ले लें, या हरड़ बहेड़ा आंवला, तीनों को बराबर मात्रा में इनका पाउडर ले लें, कि जिससे तीनों बराबर मात्रा में आप ले लें, जैसे 50 ग्राम हरड़, 50 ग्राम बहेड़ा, 50 ग्राम आंवले का पाउडर ऐसा ले लें, या त्रिफला आप 100 ग्राम ले लें। और एक त्रिकटू के पाउडर के नाम से आता है जिसमें सौंठ, मरीच और पिपली होती है, ठीक है, मरीच यानी काली मिर्च। तो ये आप त्रिफला से आधा यानी 50 ग्राम त्रिकटू पाउडर ले लें, त्रिकटू का चूर्ण ले लें, और 100 ग्राम त्रिफला का पाउडर ले लें, ठीक। अब इसमें आप चाहें तो जो है 10 से 20 इलायची मिला सकते हैं, और अपनी रुचि के हिसाब से, उसमें आपको टेस्ट बढ़ाना है तो 5 ग्राम आप टंकण पाउडर या 5 से 10 ग्राम आप टंकण पाउडर मिला सकते हैं। अगर 100 ग्राम का हमारा टोटल कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसमें हम 5 ग्राम टंकण पाउडर यूज करें, इससे ज्यादा बन रहा है तो इससे ज्यादा रहता है, ठीक है। टंकण पाउडर होता है कि जो बड़ा सुहागा होता है, या फिटकरी आप यूज कर सकते हैं, अगर टंकण नहीं मिलता तो मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाता है टंकण पाउडर, तो ये टंकण पाउडर आप इसमें मिलाएं। और जब भी आपको इसमें जो है मंजन करना हो, पेस्ट करना हो, तो आप क्या करें, थोड़ा सा 3 से 4 ग्राम 5 ग्राम तक पाउडर लें, और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा नमक उसमें मिलाएं, और उसी से जो है आप अपनी जो अगर आपके पास दातुन है या दातुन नहीं है तो जो ब्रश आप यूज कर रहे हैं उससे, या फिर अपने हाथ की उंगली से ही आप यूज करें,
ठीक है, ये आपका टूथ पाउडर हो जाता है, अगर आप ये यूज करते हैं तो आपकी ओरल हेल्थ अच्छी रहती है। जो पायरिया है, मसूड़ों से खून आना है, मुख से दुर्गंध है, वो सब नहीं होंगे। बहुत सहज प्रिपरेशन है, त्रिफला है, त्रिकट्टू है, और इसमें आपको जो है जब भी आप यूज करेंगे तो इसमें सरसों का तेल और शहद और सेंधा नमक मिला के यूज करना। अगर किसी को बहुत ज्यादा मुख में जलन होती है, बार बार छाले होते हैं, तो वो नमक की मात्रा और सरसों के तेल की मात्रा कम रखें, और या फिर जो है वो थोड़ा सा, वो अगर बेस के लिए सरसों के तेल की जगह चाहिए तो नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल ज्यादा बेहतर है उसके लिए, ज्यादा बेटर है। तो आप इस तरह से जो है अपना टूथ पाउडर या दंत मंजन घर पे बना सकते हैं। इसमें आप टंकण पाउडर यूज करते हैं तो ये और अच्छा प्रभाव करता है। नहीं भी मिले टंकण पाउडर तो कोई बात नहीं, अब जब कभी आप यात्रा पे जाते हैं और अगर आपको पाउडर नहीं रखना है तो आयुर्वेद की एक दवा है खदीरादि गुटिका, खदीरादि वटी, तो आप क्या करें उस खदीरादि वटी को चबा लें, और उसी के बाद फिर चबा के और जो उसका वो डिजोल्व मुंह में आपके घुल जाएगी खदीरादि वटी, तो उसके बाद आप ब्रश कर लें। तो जैसे आप पाउडर से ब्रश करते हैं वैसे आप समझिए कि खदीरादि वटी मुंह में लेके उसको अच्छे से चबा लिया, डिजोल्व कर लिया, और फिर आप उसके बाद ब्रश कर लें, तो उससे भी आपका जर्नी के हिसाब से काम चल जाएगा। ठीक, तो ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, बहुत कोई इसमें जो है असहजता होने वाली बात नहीं है। तो आप इसे आसानी से घर पे बनाएं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बनाएं और इसको प्रयोग करें अगली क्लास तक का, और आप बताएं कि इससे जो है वो आपको क्या फायदा मिलता है। यूजुअली देखते होंगे कि आप जो टूथपेस्ट करते हैं ना, आपका ब्रश करते करते आपके मसूड़े जो है वो डैमेज होते रहते हैं, आपके दांतों से कभी खून आ जाता है, कभी मुंह से बदबू आती है, और दांतों पे मल जमा रहता है। अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं से इससे हेल्थ जो है वो समस्याओं में लाभ मिलेगा, और आप इससे अच्छा फील करेंगे। तो आप इसको प्रयोग करें और आप फीडबैक भी दें इसका कि आप अच्छा, अगर आप हाथ से उंगली से अगर आप दंत मंजन करते हैं तो बताया कि योग शास्त्र में बताया कि आप जो पहली उंगली है ना, इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के पास वाले, अगर आप इसको यूज करते हैं तो ऐसा होता है कि इससे ज्यादा प्रेशर पड़ता है आपके दांतों पे या मसूड़ों पे। तो आप बार बार अगर रोज रोज ज्यादा प्रेशर देंगे इंडेक्स फिंगर से, क्योंकि ये नेचुरली इससे आपका ज्यादा प्रेशर लगता है, तो हो कि मसूड़ों को इंजर्ड होने की संभावना रहती है। इसलिए योग शास्त्र में बताया कि आपको जो इंडेक्स फिंगर की बजाय आपकी जो बीच की उंगली और रिंग फिंगर है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनका इस्तेमाल करना चाहिए दांत साफ करने के लिए, अगर आप हाथों से उंगलियों से दांत साफ करें तो, क्योंकि इनका प्रेशर जो है आपको दांतों पे, मसूड़ों पे कम लगेगा और मसूड़ों पे इंजरी होने की संभावनाएं कम रहेंगी। तो आप इस तरह से हाथों से भी दंत मंजन कर सकते हैं, अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है, ब्रश से नहीं करें तो, या फिर आप दांतों से दंत मंजन कर सकते हैं।